करण जी, आप पंचायत समिति के सामने पिछले कुछ लंबे अरसे से बैठे हुए हैं, तो आपको पहले तो ये बताएं कि कितना समय यहाँ पर बैठे हुए हो गया, और कितना, और ये क्या कुछ आपकी मांग है, क्या कुछ पूरा प्रकरण है, इसके बारे में डिटेल से समझाएं। मेरे को 29 अगस्त 2022 से धरना शुरू किया था जी। मैं हक हार के प्रशासन की बार बार रिक्वेस्ट करके, अप्रोच करके, जब मेरी पार नहीं पड़ी तो मैंने धरना लगा दिया। तो आज मेरे को 5 महीने और 15 दिन धरने पे, रेगुलर धरने पे हो गए बैठे। 5 महीने से आप लगातार बैठे हुए यहाँ पर हैं, तो इसमें आपने प्रशासन को क्या कुछ अवगत वगैरह कराया है इसमें? जैसे SDM कलेक्टर को आपके इस मामले बारे में अभी तक कुछ बताया है या बार दिया है? बार बताया जी, SDM साहब को, CO साहब को, BDO साहब को, एक बार कलेक्टर साहब से भी मिले हैं, तो कोई ठोस आश्वासन मेरे को नहीं मिला है। ये पूरा प्रकरण आपका जो है, ये पूरा एक बार डिटेल में पूरा समझाएं कि क्या कुछ आपकी मांग है अभी और क्या कुछ मैटर है। पूरा प्रकरण ये है जी, मेरे को टेंडर हुए थे 2001 में, 1 जनवरी 2021 को, तो मेरे को 90 दिन का काम दिया था सिर्फ अभिमन्यु चौधरी ने, BDO साहब ने। तो बोले जी कांड में नहीं होने चाहिए, तो मैं वो 70 दिन में काम कर दिया जी। काम करने के बाद में जब मैंने पेमेंट मांगी, तो उसकी पेमेंट की 3 कंडीशन थी, तीन पेमेंटें मिलनी थी मेरे को, 3 किस्तों में। जब मैंने पहली किस्त जनवरी में मांगी, तो मेरे को टाल मटोल कर दिया, बोले जी सरपंच देंगे आपको। जब अच्छा, मैं सरपंचों के पास गया, तो सरपंच बोले जी आपको पेमेंट आपने हमारे से पूछ के काम नहीं लिया, ये पेमेंट आपको पंचायत समिति करेगी। तो पंचायत समिति ने हमारे को, सरपंचों के पास, सरपंचों ने पंचायत समिति के पास से करते करते मेरे को गेंद बना लिया, और 5 महीने मैं इनके पीछे घूमता रहा। उसके बाद में कोरोना आ गया, कोरोना में मेरे को रोक लिया जाता था, फिर मैंने मेरे गांव के सरपंच से राहदारी बना के और फिर आना जाना इनके साथ संपर्क रखा, तो फिर इनके कोई बात नहीं बनी। फिर मैंने कोई अप्रोच वगैरह करवा के, अपने लाइजिंग बना के सरपंचों से पेमेंट करवाई, तो मेरे को पहली किस्त 7 किस्त सरपंचों ने डाली मई 2021 में। तो उसके आपके पास में पूरे कागजात वगैरह सारी चीजें हाँ डिटेल में सारे है जी मेरे होंगे। पास। 70 दिन में मैंने काम कर दिया था। उसके बाद सरपंचों का धरना लग गया, धरना चला 2 महीने। उसके बाद में फिर ये नए BDO साहब आ गए, इन्होंने मेरे को बोला जी आपकी पेमेंट इकट्ठी कर देंगे जी। ऐसे करते करते लटकाते लटकाते 2021 पूरा हो गया। नहीं तो उन्होंने ये सारा कुछ कागजी तौर पे आपको सारी चीजें बोली हुई है कि वर्बली मुंह के बोल दी कि ये पेमेंट कर वर्बली दो? बोली थी जी, विश्वास भी मेरे को रखा इन्होंने, और बाकी मेरे पास बकायदा सरपंचों की लेटर पैड पे लिखा हुआ है सारा कुछ। तो अभी तक आपने जितने ज्ञापन वगैरह दिए हुए हैं उसकी डिटेल आप हाँ सब मेरे पास है मतलब जी। नहीं, पेमेंट ना करने का कारण क्या होता है, क्यों नहीं ना कर लिया? करने का कारण ये था जी, जहाँ भ्रष्टाचार सिर चढ़ के बोल रहा है हर कर्मचारी के, अधिकारी के। अच्छा और मेरे को इन्होंने, जब मैंने टेंडर लिए थे, तो मैं यहाँ नया था, तो मेरे को इन्होंने इधर पहली बार, तो जब मैं पहली बार टेंडर लिया, तो मेरे को इन्होंने मना कर दिया, बोले यार आप किसी और ठेकेदार को काम दे दो, और आपसे इधर सेट नहीं बैठेगा। तो मैं इनकी कोई चाल नहीं समझ सका, और मैं सोचा यार मैं मेरा काम मैं खुद करूँगा। ऐसे करते करते जी मेरे को लटकाने लटका दिया गया भी, ताकि ये लंबा ना चल सके इधर। नहीं तो अब अब वो कुछ उनकी डिमांड है क्या, अगर पेमेंट करने के पीछे या डिमांड कुछ? सबको जी अपना जो मान सम्मान सबका किया है, मैंने तो जैसे वो करते गए हम कहते गए, मगर आगे 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 चलता गया और लटकाते गए मेरे को, पेंडिंग रखा, डिले कर दिया मेरा, और मैं घर का रहा ना घाट का। कोई आज कर्म मेरे को 26 महीने हो गए जी, और मैं कहीं का नहीं रहा। किसी खास कर्मचारी नहीं छब्बीस है? टेंडर हुए को 26 महीने हो गए जी, अच्छा मेरे को नया कोई दोबारा टेंडर नहीं मिला, ना ही मैं टेंडर लेने की स्थिति में हूँ। लोगों से ब्याज पे पैसा उठा लिया, कोरोना काल में मेरे को 25% नुकसान हो गया, ब्याज लग गया, और मैं यहीं का होके रह गया बस। आपने ये टंकी पर चढ़े थे जब आपको किसी ने आश्वासन दिया था कि भी हाँ आपको पूजा छावड़ा जी हैं आंदोलनकारी इधर, तो उन प्रशासन की तरफ से आपको ये प्रशासन आश्वासन की तरफ से मिला? BDO साहब गए थे, उन्होंने बोला था जी कलेक्टर साहब के साथ बात हुई है, 7 दिन के अंदर अंदर आपका भुगतान कराएंगे जी। आज उसको कितने दिन हो गए? आज उनको हो गए जी, आज 9 तारीख होगी और 11 20 दिन हो गए जी। 20 दिन हो गए तो और आप गए उन्होंने थे अभी तक क्या कोई एक्शन नहीं ऑफिस लिया? मेरे को आज तक छोड़ के 26 महीने में नहीं पूछा किसी ने आके, 5.5 महीने में मेरे को आके पंचायत समिति के PN से लेके BDO तक का कोई अधिकारी नहीं आया, PN से लेके, भी कौन है तू, कैसे बैठा है, तेरे को क्या प्रॉब्लम है। तो आप बाहर क्यों बैठे, पंचायत समिति के अंदर बैठना चाहिए धरना देके? तो बाहर बैठ गया जी, उस टाइम जब मैंने धरना लगाया, उस टाइम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था अंदर, क्यों पक्की जगह है, फर्श है वहाँ। यहाँ एक सहारा लिया था बबुल के पेड़ का, और जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था उस टाइम अगस्त में, आप उनके ऑफिस में बैठो तो
तो मैं बैठा भी, चलो यार 2 4 दिन में 10 दिन में सल्ट जाएगा, मगर ये तो किसी ने मेरे को पूछा नहीं और लंबा चलता गया, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। आपको मतलब परिवार की तरफ से भी काफी दिक्कतें आ रही होंगी, मतलब परिवार में आपको, घर परिवार बच्चों थोड़ा। की फीस नहीं भरी गई जी मेरी, कहीं कोई चेक कर सकते हो आप, बिजली का बिल नहीं भरा गया, लोगों की देनदारियां थी जो मैं, मेरा वो सारा सिस्टम खत्म हो गया, व्यवहार बने हुए थे लोगों के साथ वो खत्म हो गए। अभी आगे आपने कल परसों ही शायद तक ज्ञापन दिया है, तो उसके बारे में बताएं क्या कुछ उस ज्ञापन वगैरह में आपने ज्ञापन मांगा क्या मेरी था। घरवाली की तरफ से दिया गया है जी, दुखी मन से, भी अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है तो 21 फरवरी 2023 को हम जयपुर के लिए पैदल रवाना हो जाएंगे। जयपुर में जाके जयपुर में जाके वीडियो अपने मुख्यमंत्री साहब को ज्ञापन देंगे, और नहीं तो फिर वहां धरने पे बैठ जाएंगे। कागज वगैरह आप दिखा सकते हैं कि क्या कागज कुछ आपने वगैरह हमारे मांगा पास था। है जी सर, एक मेरा मुख्यमंत्री साहब अशोक गहलोत को हाथ जोड़ के निवेदन है, भी अगर मेरी वीडियो वहां तक पहुंचे तो मैं आपसे एक निवेदन करता हूं मुख्यमंत्री साहब, भी मैं आपका एक समर्पित भगत था, और आप मेरी वेरीफाई कर सकते हैं, 1992 में मेरी पहली बोट बनी थी, उससे लेके आज तक मैं मेरे रिश्तेदारों को, भाई बंधुओं को, सबको मना करके कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट किया और मुइन परिवार के साथ रहा मैं, और मेरी आज कांग्रेस सरकार में जो कार्यकर्ताओं को एक बहुत बड़ा मान होता है कि मेरी सरकार आई है, मेरा मेरी हर बात मानी जाएगी, और मेरा सही काम भी नहीं हो रहा और मेरी जायज मांग भी नहीं मानी जा रही, और मेरे को बर्बाद कर दिया और मैं कहीं का नहीं रहा, भिखारी बना के छोड़ दिया मेरे को। और मैं अब आगे गहलोत साहब से विनती करता हूँ, आपको बार बार ज्ञापन भी दे चुका हूँ, आप बुढ़ा जोड़ में आए तब भी ज्ञापन दिया, अब भी मैं आपको रजिस्ट्री के माध्यम से भेजा है, गहलोत साहब मेरे को तुरंत प्रभाव से मेरे को नए टेंडर जारी करके, मेरी फर्म ग्रेड अप करवा के मेरे नए टेंडर जारी करें, ताकि मेरी घर गृहस्थी चल सके और मैं मेरे बच्चों का लालन पालन कर मेल आ सकूं। रहे थे, हमने काम एक निकाल बार कुछ दिया। बोलना उसके अंदर, एक बार चेक कर लेते हैं। हेलो हेलो भाई जसखंड को आज 5 महीने 15 दिन हो गए एजिटेशन में बैठे हुए, और कोई इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। हम इनके साथ है तन मन धन से, और जब तक इनको न्याय नहीं मिलता हम साथ रहेंगे, और ये सारे ऊपर वालों की साजिश है इनको खराब करना है। मतलब अब 1.5 साल से 2 साल से ये खराब हो रहे हैं, आज तक ये पता नहीं कितने काम और लेते काम करते, अब इनका परिवार भी खराब हो रहा है और ये भी खराब हो रहे हैं, और ये सारी इनकी साजिश है बड़े लोगों की। भाई आप आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के ऊपर कील ठोकने के लिए सबसे मजबूत स्थिति के अंदर रही है, तो आपकी अगर सरकार बनती है तो आप सबसे पहले इसके ऊपर क्या एक्शन लोगे। सबसे पहले तो मैं ये वीडियो को पकड़ूंगा भाई, क्यों नहीं किया, और जिन लोगों ने ये कराया है उनको नंगा करेंगे सारों को। ये सारी इनकी साजिश है ताकि भाई जसकंद सिंह खराब हो, ये सारा इनकी प्लानिंग है। अब भी मैं तो भाई को कह रहा हूँ भाई अगर तू हिम्मत कर जाके पकड़ लेंगे, पर ये हिम्मत नहीं कर रहा भाई। अब जाके प्रशासन को पकड़े, क्या दिक्कत आ रही है, क्यों क्यों नहीं दे रहे न्याय, जबकि प्रशासन ने मान लिया। ये जब टैंकी पे चढ़े थे ना उसमें वीडियो ने कहा था भाई 7 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करा दूंगा, पर आज तक नहीं कराई। इनको खराब करने की साजिश है, हम तन मन धन से भाई के साथ हैं और लड़ेंगे इसके लिए। अब ये आगे के टाइम पे आपकी क्या रणनीति रहेगी अपने इस आंदोलन को उग्र करने के लिए। आगे की रणनीति जी, अब दुखी हृदय से हमने परसों SDM साहब को ज्ञापन दे दिया है और मुख्यमंत्री साहब को, और ये रजिस्ट्रियाँ करवा दी है, सारा ज्ञापन भेज दिए हैं पंचायत राज मंत्री को, CO साहब को, कलेक्टर साहब को। 21 तारीख हमारी फाइनल है, इसके बाद में हम कोई ज्ञापन नहीं देंगे, कोई किसी से निवेदन नहीं करेंगे। फाइनल 21 तारीख को हम मेरे परिवार समेत और मेरी धर्मपत्नी हम पैदल जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे।